कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको गणित के परीक्षा के लिए सेट बी जो कि प्रैक्टिस पेपर है, आईएमपी पेपरों का जितना भी समावेश है इसमें प्रश्नों का, वो सारा समावेश इस पेपर के अंतर्गत किया गया है। सेट ए करा दिया गया है, सेट बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, डी ई एफ तक पढ़ेंगे। 6 पेपर जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिए उसकी 95% की जवाबदारी, 95% पेपर की नहीं एक पेपर की, 95% की जवाबदारी हर विषय में, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल निसंकोच भाव से पढ़ो। चलिए, जिस तरह हिंदी और संस्कृत में आपको अच्छे नंबर दिलवाए, अब गणित में भी सोल्व देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी पूर्णांक Q के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो, विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ना, वो 2Q+1 का है आपके बुक में। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, घात 2, द्विघात बोल रहा है वो, ठीक है। a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा b2y + c2 = 0 का हल होगा। देखिए, जब ऐसी स्थिति रहती है ना, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और यदि ऐसी कंडीशन आएगी, a1/a2 is not equal to b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, क्या होता है, एक अद्वितीय हल। और अनंता अनेक हल की कंडीशन ये होती है, a1/b1/b2 = c1/c2। समझ में आ गया बात। तो ये आपका इस तरह से कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये किसके लिए, अनंता अनेक हल के लिए, पर अपनी कंडीशन किसके लिए, यहाँ पर ये है, कोई भी हल नहीं है। बिंदु A 0.6 और 0.-2 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी आपकी, 8 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 50 डिग्री का। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, यदि पी एक्स क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 को क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण, क्या कहेंगे, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत होते हैं समरूप। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वहां कौन उन्नयन कौन कहलाता है, क्या कहलाता है वो, उन्नयन कौन। थीटा कौन वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका देख लीजिएगा, कौन थीटा वाला है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, π r² θ/360। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है वो होता है 1/3 π r² h, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 1/3 नहीं है, ये आ जाएगा आपका π r² h। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो, तो देखिए विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं,
मूल होते हैं वास्तविक और समान, ठीक है, मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक्स कोमा जीरो बिंदु की भुज, एक्स कोमा जीरो बिंदु की भुज एक्स है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं, देखिए कोटि पूछता तो जीरो लिखते हैं। साइन तीस डिग्री, साइन तीस का मान हो जाएगा कोस साठ डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा वन बाई कोस थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। यहां से देख लिया, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्त कर, क्या कहते हैं, विविक्त यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है, तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के समांतर है ना दो, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो, कितनी खींची जा सकती है, दो, केवल दो। और यहां पर इसका सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, शून्य होती है, संभव की एक हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है, ठीक है। यहां से देखिए अगला देखते हैं, देखिए ये जो पेपर है कुछ इस तरह के पेपर रहेंगे आपके, चार पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सेट डी है, ये सेट सी है, ई और एफ भी रहेंगे, छह पेपर रहेंगे टोटल, और छह पेपर को यदि आप अच्छे से ठीक है पढ़ते हो कवर करते हो तो मेरी गारंटी आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, है ना, पूरी आपको हिंट मिल जाएगी किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन कौन से प्रश्न आने वाले, कौन कौन से नहीं आएंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, नौ सात पांच तीन दो ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल। चार कोमा जीरो और जीरो कोमा तीन के बीच की दूरी पांच इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन बाय आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर छह से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सोल्यूशन देखेंगे दो से तीन दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसको आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है,
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा, हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है, हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका, और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23।